नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ मैं हूं अर्पित आर्य। मुंबई और करीबी इलाकों पर बारिश आफत बनकर इस वक्त बरस रही है। अंधेरी सबवे एक बार फिर पानी में समा चुका है और हमेशा की तरह इसे फिर बंद करना पड़ा है। शहर में जगह जगह पानी भर चुका है। अगले 3-4 दिन तक भारी बारिश होने का अलर्ट है। मुंबई हमेशा बारिश में ऐसे ही डूब जाती है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जल जमाव का खतरा माया नगरी को परेशान करता रहता है। अंधेरी सायन से लेकर मुंबई के कुछ और इलाकों में बरसात के बाद पानी ही पानी दिख रहा है। सरकारी अमला पानी निकालने के मोर्चे पर तैनात है, लेकिन सुबह सुबह दफ्तर से लेकर कामकाज पर जाने वाले इस चक्कर में तो ही फंस गए कि कई जगहों पर जान जैसे हालातों से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। अंधेरी, बांद्रा, नवी मुंबई, बोरीवली और सायन की तस्वीरें हैं। तो मुंबई में थोड़ी देर की बारिश के बाद कुछ हालात ऐसे बन पड़ते हैं, लोगों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां पर पानी का कब्जा है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की मुंबई में। जो अंडरपास है वहां पर भी देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है सड़क नहीं कोई नदी हो। बांद्रा का हाल भी कुछ ऐसा है, बस के टायर तक डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर अब जब पानी भर जाता है तो उसके बाद गाड़ियां खराब हो जाती हैं। और देखिए ये ऑटो वाला धक्का मारता हुआ नजर आ रहा है। तो कौन कौन सा वो इलाका है हम आपको बता रहे हैं जहां पर इस वक्त बारिश हो रही है। अंधेरी, दहिसर, आनंद नगर, चेंबूर, ये वो इलाके जहां पर पानी बरसा। कांदिवली, बोरीवली, नवी मुंबई, मलाड, इन जगहों पर बारिश की वजह से हालात कुछ ऐसे हैं कि कई लोगों की गाड़ियां खराब हो गई, तो कई जगहों पर जान जैसे हालात लोगों को सामने हैं, उनके उससे दो चार होना पड़ रहा है। तो थोड़ी सी बारिश मुंबई कर के लिए कितनी समस्या लेकर आता है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। घुटने तक तकरीबन देखिए पानी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, भारी बारिश से पूरी मुंबई पानी पानी नजर आ रही है। मुंबई में अंधेरी सबवे बंद पड़ा है, शुक्रवार तक अलर्ट जारी किया गया है। इसी हालातों को देखते हुए गाड़ियां देखिए पानी भरे होने की वजह से ठप पड़ गई हैं, लोग छाते का सहारा लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में ही कई बार हादसे होते हैं जब आइडिया नहीं होता, क्योंकि आप देखिए पूरी सड़क पे आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्या है, कहां तक सड़क है, कोई अंदाजा लग नहीं पाता है। ये अंधेरी मुंबई सबवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाइक सवार जद्दोजहद कर रहा है पानी के बीच से अपने आप को और अपनी बाइक को निकालने के लिए। तो इस तरीके के हालात हैं, आप देखिए कमर तक तकरीबन पानी पहुंच चुका है। बारिश कुछ देर और हुई तो स्तर भी बढ़ सकता है। हालांकि निकासी के सारे प्रबंध बीएमसी की तरफ से किए गए हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी बारिश के बाद सारे दावों के पोल खुलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जरा तस्वीरें देख लीजिए, इसी से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि निकासी की हर बार जो सरकार दम भरती है कि सारी प्रक्रियाएं की गई हैं, नालों को साफ किया गया है, लेकिन वैसे हालात थोड़ी सी बारिश के बाद दिखते नहीं है। पानियों का भराव, जल जमाव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। ये मुंबई, नवी मुंबई स्टेशन की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर भी देखिए अंदर पानी भर चुका है। हालांकि कोशिश, कुछ कर्मचारी भी दिख रहे होंगे आपको जो कोशिश कर रहे हैं कि पानी निकाला जाए ताकि ज्यादा पानी ना भरने पाए। लेकिन क्या सबवे, क्या सड़क, क्या रेलवे स्टेशन, हर जगह हालात कुछ ऐसे ही है। वही रत्नागिरी से जो तस्वीर आई लैंडस्लाइड की, जरा तस्वीरें आप देखिए। तो यानी एक तरफ अंधेरी सबवे पूरी तरीके से वहां पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, कमर तक वो पानी पहुंच चुका है। वही नवी मुंबई में स्टेशन पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, लोग इसी पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। और रत्नागिरी में लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई है। तो भारी बारिश शुक्रवार तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस स्थिति को देखते हुए सरकारी कोई भी हो, दावे कोई भी हो, लेकिन तस्वीरें हर बार थोड़ी सी बारिश के बाद मुंबई से कुछ ऐसे ही निकलकर सामने आती है। जल्दी से 5 तस्वीरें भी अलग अलग जगहों की आपको दिखा देते हैं। अंधेरी, बांद्रा, नवी मुंबई, बोरीवली और सायन की ये तस्वीरें हैं। रात से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से सड़कों पर कुछ ऐसे हालात हो गई, नदी जैसे सड़क अब नजर आने लग गए हैं, गाड़ियों के पहिए डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। पानी भरने की वजह से दिक्कत ये भी है कि गाड़ियां कई बार खराब पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जान से जूझना पड़ता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं और हर बारिश में ये दिक्कतें मुंबईकर को झेलनी पड़ती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरा मुंबई पानी पानी नजर आ रहा है। ये गाड़ी यहाँ बंद पड़ गई है क्योंकि इंजन में पानी चला गया होगा या जो भी रीजन हो, यहाँ पर पानी भरने की वजह से इस गाड़ी को देखिए यहाँ खड़ा करना पड़ा है। किस तरीके के हालात है, घुटने तक तकरीबन आपको पानी यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो हालात कुछ ऐसे, थोड़ी देर की बारिश, कुछ देर और बारिश होती तो अंदाजा लगाइए क्या हालात हो सकते हैं। निकासी के प्रबंध हो रहे हैं, कुछ कर्मचारी लगे भी हैं, लेकिन बावजूद इसके कई जगहों पर घुटने तक पानी पहुंच चुका है। अगले 3-4 दिनों तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई हमेशा बारिश में ऐसे ही डूब जाती है।
सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जल जमाव का जो खतरा है वो माया नगरी को हमेशा इसी तरह से परेशान करता रहता है। जैसी तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि हालात इस वक्त मुंबई में क्या है। ये सबवे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी भर चुका है और ये बाइक सवार कोशिश करता है कि शायद वो यहां से अपनी गाड़ी ले जा पाएगा, लेकिन जब हौसला हारता है तो उतर कर अपनी बाइक को धक्का मारकर वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव आप देखिए एक नदी जैसे सबवे आपको नजर आ रही होगी। तो ये हालात कुछ ऐसे हैं मुंबई में, बारिश के बाद सबवे पर पानी भरा हुआ है, सड़कों पर पानी भर चुका है, जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन वहां पर पानी भर चुका है। तो मौसम आने वाले कुछ दिनों तक अभी और खराब हो सकता है, बारिश और हो सकती है। मुंबई और करीबी इलाकों पर बारिश आफत बनकर फिर से बरस रही है। अंधेरी सबवे एक बार फिर पानी में समा चुका है, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमेशा की तरह इसे फिर बंद करना पड़ा है। शहर में जगह जगह पानी भर चुका, अगले 3-4 दिनों तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, बाइक के पहिए डूबे हुए से नजर आ रहे होंगे। तो ये हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, थोड़ी देर की बारिश होती है। ये रत्नागिरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है रत्नागिरी से, नीचे गाड़ियां भी गुजरती हुई नजर आ रही हैं। तो बारिश ऐसे हुई जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आई है रत्नागिरी से, और संभल कर जाने के लिए यहां से बोला गया है। जो मलबा सड़क पर आ गिरा था उसे ट्रक के माध्यम से देखिए हटाया भी जा रहा है, ये कोशिशें भी हैं, रास्ता खोलने की कोशिश भी है, लेकिन एहतियात तौर पर लोगों से कहा गया कि संभल कर ऐसे रास्तों से गुजरे जहां पर इस तरीके का खतरा हो सकता है। चेतावनी के लिए बोर्ड भी वहां पर लगाया गया है। तो ये हालात महाराष्ट्र के रत्नागिरी के हैं जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये रास्ता काफी देर तक बाधित रहा, उसके बाद यहां सड़क पर आए मलबे को हटाया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रत्नागिरी में लैंडस्लाइड, और रेस्क्यू में फिलहाल एनडीआरएफ की जो टीम है वो जुटी हुई है। अभी कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग फंसे हुए हैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पहले मलबे को हटाया जाए, रास्ता क्लियर किया जाए, और जो लोग भी इसकी चपेट में आए हैं उनको पहले रेस्क्यू किया जाए। तो रत्नागिरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ये लैंडस्लाइड की तस्वीर आई, नीचे से आप देखिए गाड़ियां भी गुजरती हुई नजर आ रही है, और ऐसे ही हादसे होते हैं जब लैंडस्लाइड की तस्वीर होती है तो ये पूरा मलबा सड़क पर आ जाता है, और इसीलिए नोटिस भी लगाया गया ताकि ऐसे रास्तों पर संभल कर स्पीड धीमी करके और सब देख कर गुजरा जाए, इसीलिए ये एहतियाती तौर पर कदम भी उठाए जाते हैं। हालांकि जो मलबा सड़क पर था उसे हटा लिया गया है, हटाने की कोशिश हो रही है, और रेस्क्यू टीम में भी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में भी जुटी हुई है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ लैंडस्लाइड दूसरी तरफ पानी भरने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके के हालात भारी बारिश के बाद हैं। अब जरा आपको पणजी की तस्वीरें भी दिखाते हैं, वहां पर क्या हालात है जरा देखिए। यहां पर भी गाड़ियों के पहिए जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, यानी पानी का भराव किस तरीके से वहां पर भी है अंदाजा आप लगाइए। वो सारे दावे जो हर बारिश से पहले सरकार और नगर निगम की तरफ से किए जाते हैं उनकी पोल खोलती कुछ ये तस्वीरें हैं, जिससे अंदाजा लगा लीजिए कि थोड़ी बारिश आम लोगों को कितनी दिक्कतें लेकर आती है। जहां एक तरफ गर्मी से आपको राहत मिलती है, लेकिन अगर आपका ऑफिस है और आप सड़कों पर निकलने की सोचते हैं तो ये एक चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है ऐसे वक्त पर जब इस तरीके से पानी भरा। ये हालात है पणजी के, जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। अपनी मोटरसाइकिल को खींचता ये शख्स गाड़ियां बड़ी धीमी रफ्तार से यहां से गुजरती हुई, कुछ देर की बारिश के बाद हालात क्या हो सकते हैं आप जरा अंदाजा लगाइए। तो ये हालात तब है जब थोड़ी बारिश हुई है, अभी बारिश होनी और बाकी है क्योंकि कई जगहों पर ये अलर्ट किया गया है कि अभी और बारिश हो सकती है। ऐसे हालातों में आखिरकार क्या सूरत बनेगी, क्या तस्वीर बनेगी, ये पानी का स्तर कितना बढ़ेगा, निकासी का प्रबंध कैसा होगा, वो उस पर भी निर्भर करेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पणजी की, जहां पर जल भराव की समस्या से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ थोड़ी राहत बारिश लेकर आती है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है ऐसी बारिश में, क्योंकि सड़कों पर नदियां बहने जैसे हालात नजर आने लगते। तो शहर शहर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मूसलाधार आफत किस तरीके से बरस रही है। मुंबई हो, पणजी हो, चिपलून हो, रत्नागिरी हो, ठाणे हो, अहमदाबाद हो, हर जगह कुछ हालात ऐसे ही है। लेकिन इस वक्त अगर आप मुंबई के इलाकों में देखें, गोवा के इलाकों में देखें, तो यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बन पड़ी है, लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है। वहीं रत्नागिरी में लोगों के घरों के बाहर तक पानी पहुंच चुका है, जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे। वहीं ठाणे के हालात भी कुछ ऐसे, दूर तक देखिए आप
यहाँ आपको ऐसा दिख रहा होगा कोई नदी हो, हालात कुछ ऐसे बन पड़े हैं बारिश के बाद। वहीं चिपलून की तस्वीरें, वहां पर भी देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है, गाड़ियां बहुत ही धीमी रफ्तार से गुजरने के लिए मजबूर है। रत्नागिरी में जरा देखिए किस तरीके से कॉलोनी जो है वहां तक पानी भर चुका है, लोग अपने घरों के बाहर किस तरीके से निकल रहे हैं। खतरा ये है कि स्तर और बढ़ा, अगर बारिश और हुई तो पानी का स्तर बढ़ सकता है, उनके घरों तक भी वो पानी पहुंच सकता है। अहमदाबाद की भी तस्वीरें टीमें तैयार की गई हैं बारिश की स्थिति को देखते हुए। मुंबई में बीती रात से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके अंतर्गत जिसकी वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। मुंबई के अंधेरी सब्वे इलाके पे हम खड़े हैं, जहां पर लगातार बारिश होने के कारण लोगों की, मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये अंधेरी सब्वे है जिसको बंद कर दिया गया है। लगातार यहाँ पर बारिश होने की वजह से सब्वे पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, मगर जब बारिश कम हुई मुंबई में, अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है और बारिश कम होते ही यहाँ का पानी जो है वो अब धीमे धीमे उतरने लगा है। बीएमसी कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं और बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जो है यहाँ से पानी को निकालने का काम लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बारिश होते ही लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या जो है वो और बढ़ जाती है। यही अंधेरी इलाका है सब्वे के पास का, जहां पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं, किलोमीटर लंबी जो है वो कतारें लगी हुई हैं। ये मुंबई का वो इलाका है जहाँ से लोग, सैकड़ों लोग जो है हर रोज अपने दफ्तर की ओर बढ़ते हैं। सबसे सेंटर एरिया माना जाता है अंधेरी का, और ये पीक आवर है जहाँ पर लोग अपने दफ्तरों की ओर बढ़ते हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए वेदर डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि बारिश जो है वो और ज्यादा होगी और लोगों को अपने अपने चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैमरामैन नवनाथ के साथ पारस दामा, आज तक। ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और नवी मुंबई की तस्वीर है जहां पर देखिए किस तरीके के हालात है। रेलवे स्टेशन में पानी भर चुका है, निकालने की कोशिश हो रही है, पानी निकासी का पूरा प्रबंध वहां पर किया गया, लेकिन बावजूद इसके जब ये दावे होते रहे कि सारे प्रबंध किए गए हैं, अगर इस तरीके के हालात बन पड़े, पानी स्टेशन के अंदर घुस जाए, तो आप समझिए हालात क्या है या वो दावे कितने सच्चे हैं। यहाँ पर देखिए मशीन ऑन करके कोशिश हो रही है पंप के जरिए कि पानी को निकाला जाए, लेकिन फिलहाल जो स्टेशन के अंदर पहुंच रहे हैं लोग, उनको इसी तरीके से अपने आप को बचा कर निकलना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई सबवे की, जहां पर पानी भर चुका है, अंधेरी की तस्वीरें हैं। हालांकि एक ट्रक कोशिश करता है कि शायद वो अपनी गाड़ी और अपने आप को सुरक्षित यहां से निकाल ले जाए, लेकिन बीच में ही उसे अपनी बाइक से उतरना पड़ता है, क्योंकि पानी का बहाव भी देखिए यहाँ पर बहुत है और स्तर भी बहुत है, कमर तक तकरीबन यहाँ आपको पानी नजर आ रहा है। उसकी बाइक भी शायद बंद पड़ी है, और ऐसे में स्थिति ये है कि क्या किया जाए। कई बार इन सबवे को बंद कर दिया जाता है, ये फैसला एक बार फिर से लिया गया। जल्दी से हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किन किन इलाकों में अब बरसात हो रही है, हालात बिगड़ रहे हैं। कांदिवली, बोरीवली, नवी मुंबई, मलाड, ये वो जगह हम आपको बता रहे हैं, वो इलाके बता रहे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। अंधेरी, दहिसर, आनंद नगर, चेंबूर, यहाँ पर बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से सड़कें नदियों जैसी, तालाब जैसी अब नजर आने लग गई हैं। सबवे का हाल तो कुछ ऐसा है जो अभी हमने आपको दिखाया, कोई भी एक तो वहां से जाने की गुस्ताखी करता नहीं है या ये हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है कि इस जगह से निकाल के अपने आप को और अपनी गाड़ी को ले जाए, लेकिन ये शख्स जो बाइक सवार आपको दिख रहा है, इसने कोशिश की, बीच में ही वो फंसा हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है।